हमारे सूरज से लाखों गुना ज्यादा बड़ा एक ब्लैक होल तारों को ऐसे निगल लेता है जैसे वो कुछ भी ना हो। पर एक छोटा ब्लैक होल कितना खतरनाक हो सकता है? क्या ये पूरे ग्रह को निगल लेगा? क्या ये अपने पास आने वाले हर शख्स को निगल लेगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्या हो अगर एक सिक्के के आकार का ब्लैक होल पृथ्वी पर नजर आने लगे? ब्लैक होल बहुत घने होते हैं। ये असल में होल्स यानी गड्ढे नहीं होते, बल्कि छोटी जगह में भारी वजन के रूप में होते हैं। अगर एक ब्लैक होल बनना संभव होता तो आपको कई कणों को एक बहुत ही छोटी जगह में साथ लाना होगा। अगर आप माउंट एवरेस्ट के सभी कणों को मिलाकर एक ब्लैक होल बनाते हैं तो वो कुछ अणुओं के आकार का ही होगा। तब भी आप इसके ज्यादा करीब खड़ा होना नहीं चाहेंगे। इसके 10 मीटर के दायरे में इस छोटे से ब्लैक होल का गुरुत्वीय खिंचाव पृथ्वी की सतह जितना ताकतवर होगा। तो एक सिक्के के आकार के ब्लैक होल से क्या कुछ मुसीबतें आएंगी? इस चीज का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस आकार को किस तरह से देखते हैं। क्या हमारा काल्पनिक ब्लैक होल एक सिक्के जितना चौड़ा होगा, या इस ब्लैक होल में एक सिक्के जितना वजन होगा? पहला केस, जिसमें ब्लैक होल की चौड़ाई सिक्के के बराबर होगी, काफी छोटा नजर आता है ना? क्योंकि ब्लैक होल इतने घने होते हैं, इस छोटे से ब्लैक होल का वजन पृथ्वी के बराबर होगा। इस ब्लैक होल के अंदर हमारे ग्रह के मुकाबले एक अरब गुना ज्यादा गुरुत्वीय खिंचाव होगा। पर पृथ्वी इस ब्लैक होल में गिरेगी नहीं, बल्कि पृथ्वी इस ब्लैक होल के चक्कर लगाएगी और हर चक्कर के साथ हमारे ग्रह का कुछ हिस्सा निगल लिया जाएगा। पृथ्वी के घूमने के साथ ये प्रक्रिया धीमी पड़ती जाएगी, जिससे ब्लैक होल पृथ्वी को निगल नहीं सकेगा। पृथ्वी का जितना भी हिस्सा बचा होगा वो एक पत्थरों के गर्म डिस्क में बदल जाएगा और ब्लैक होल के चक्कर लगाने लगेगा। इस वक्त तक ब्लैक होल का वजन दो गुना हो चुका होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ये चांद पर कोई असर नहीं डालेगा, बस उसकी ऑर्बिट को थोड़ा अंडाकार बना देगा। आप इतने खुशकिस्मत नहीं होंगे, ब्लैक होल आपको इतनी तेजी से निगल लेगा कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। दूसरा केस, जिसमें ब्लैक होल का वजन एक सिक्के के बराबर होगा। अगर 5 ग्राम का एक सिक्का ब्लैक होल में बदल जाता है तो वो ब्लैक होल बेहद छोटा होगा। ये एक अणु की तुलना में उतना ही छोटा होगा जितना एक सूरज के कंपैरिजन में एक अणु, पर फिर भी ये डरावना होगा। देखिए, ब्लैक होल जितना ही छोटा होगा उससे उतनी ही ज्यादा हॉकिंग रेडिएशन निकलेगी। सीधे भाषा में कहें तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में गर्म कणों की एक भाप बन जाता है। हमारे मामले में ब्लैक होल बेहद तेजी से भाप में बदलेगा, सेकंड के एक छोटे से हिस्से में। इसका 5 ग्राम का ना के बराबर का वजन 450 टेरा जूल की भारी ऊर्जा में बदल जाएगा और एक बेहद भयानक धमाका होगा। ये इतना होगा जैसे कि एक साथ 1,00,000 टन डायनामाइट का फटना। इस धमाके से पृथ्वी टूटकर बिखरेगी तो नहीं, लेकिन ये अपने आसपास की हर चीज पर असर जरूर डालेगा। बेहतर होगा कि ये ब्लैक होल बनने वाला सिक्का आपकी जेब में ना हो। हमने जितना तकनीकी विकास किया है उसके बावजूद इंसान मैटर को दबाकर इतने छोटे से ब्लैक होल में नहीं बदल सकते। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि अगर मून पर एक परमाणु बम फोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए।